मेटल डिस्क पे कोई भी अननोन चार्ज रखोगे तो वो अननोन चार्ज जो है वो कंडक्टर के थ्रू मेटल स्ट्रिप्स जो है लास्ट में, ये जो मेटल स्ट्रिप्स है वो गोल्ड की स्ट्रिप्स भी होती है, सो इस गोल्ड की स्ट्रिप के अंदर वो चार्ज आ जाएगा। अगर वो चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, वापस वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और हमें पता चलेगा कि जो लीव्स है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। सो अगर लीव्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन चार्ज इज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, जो अननोन चार्ज हमने मेटल डिस्क पे क्लिक टिक किया था, कॉन्टेक्ट में लाए थे, वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो अननोन चार्ज के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा और उसको हम मेटल डिस्क पे कनेक्ट करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ओके। और नीचे जो गोल्ड लीफ है वो भी वैसी की वैसी ही रहेगी, सो इससे हमें पता चलेगा कि जो अननोन चार्ज है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है ये, ओके? कोई डाउट इसमें? ओके, ये हमने डिस्कस किया था। सो अगर रिपल्शन हो रहा हमने है डिस्कस कर लिया इसका था। मतलब चार्ज है, ओके। चलो अब लाइटनिंग स्टार्ट करते हैं। सो लाइटनिंग कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर दूसरी चेंज कर रहा हूँ। चलो लाइटनिंग बेटा सबको पता है क्या होता है, राइट? लाइटनिंग कब होता है वो डिस्कस करते हैं। सो देखो बेटा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्लाउड फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा कि क्लाउड फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो हम सबको पता है कि ओशन जो होता है या फिर जहां पे भी वाटर लेयर होता है, ओके, तो सन की हीट की वजह से वाटर जो है वो इवोपरेट होगा, और इवोपरेट होने के बाद कहाँ जाएगा, इवोपरेटेड वाटर कहाँ जाएगा, एयर के अंदर जो वो वाटर है वो हल्की है, हल्की वार्म एयर जो होती है वो हल्की होती है, हल्की होने की वजह से क्या होगा, वो अपनी हाइट को इंक्रीज करेगा, मतलब क्या होगा वो एटमोस्फियर के ऊपर के लेयर में जाना स्टार्ट करेगा। जब वो ऊपर के लेयर में स्टार्ट करता है जाना तो साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल भी उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, और डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर ये सब मिला के फिर क्या आप क्रिएट करते हैं, एक हाई लेवल पे जाने के बाद वो क्या क्रिएट करते हैं, क्लाउड्स क्रिएट करते हैं। कोई डाउट? नो सर, ओके, सो यहाँ पे हमारा क्लाउड क्रिएट हो रहा है। कोई डाउट? चलो, ये जो क्लाउड क्रिएट हुआ उसके पास सबसे पहली सर चीज, आपकी आवाज बहुत ही लो आ रही है। यस हेलो, अब आ रही है क्लियर? यस, अब सर, क्लियर है, ओके। सो बेटा ये जो क्लाउड हमारा क्रिएट हुआ उसके पास सबसे पहली चीज क्या आ रही है, इस क्लाउड के अंदर क्या क्या चीज है, तो मैं बोल सकता हूँ एक तो डस्ट पार्टिकल्स है, ओके। उसके अलावा क्या है, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वार्म वेपर, या फिर हम वार्म वाटर भी बोल सकते हैं, हम लोग अभी वार्म वेपर लिख रहे हैं। कोई डाउट? नो सर, ओके, सो क्लाउड के पास वार्म वेपर जो है वो वहां पे जाएगी और वहां पे फॉर्मेशन होगा बड़े से क्लाउड का। अभी जो क्लाउड है वो हाइट ज्यादा है उसका, एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम होता है, ओके। तो वार्म वेपर जो है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, और वो क्या क्रिएट करेंगे, वार्म वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर मान लो वार्म वेपर को तुम ठंडा करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो बेटा, अरे बोलो फटाफट, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, ओके। सो बेटा अभी क्या यस होगा, ये क्या हो रहा है, जब वार्म वाटर है, वार्म वेपर है, अगर वो ठंडा होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, क्या क्रिएट होगा क्लाउड के ऊपर के पार्ट में, वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स बट क्रिएट होगी। समझ में आया? कोई डाउट? ओके, सो नो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर कंटेन में हो जाएगा। अब वाटर में वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, ड्रॉपलेट है तो वो हैवी बन गई, हैवी चीजें कहाँ आती है, हैवी चीजें कहाँ जाना स्टार्ट करेगी, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगी, हाँ या ना?
नीचे आना चाहेगी और ये नीचे आना स्टार्ट करेगी। अब एक बात बताओ, ये तो नीचे आ रही है बट साथ ही साथ इस क्लाउड में जो वार्म वेपर कंटिन्यूअसली आ रही है वो तो ऊपर जा रही थी, राइट? वार्म वेपर जो है वो कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी। और वाटर पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा? फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में। देखो ध्यान से समझो, वार्म वेपर है वो ऊपर जा रही है बिकॉज वो गर्म होती है, वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद ड्रॉपलेट्स बनके नीचे आना स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में देखोगे तो वाटर ड्रॉपलेट सारे नीचे आ रहे हैं और वार्म वाटर वेपर जो है वो सारी कहाँ आ रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, okay? So, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या चीज होगी? जो ऊपर जा रहा है वार्म वाटर, वाटर की वेपर, और नीचे आ रहा है वो कौन आ रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स। इन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। हाँ या ना? ओके, सो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हम लोगों ने पहला ही चीज एक पढ़ा था लास्ट क्लास अगर याद हो तो, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बेटा, हमने चार्जिंग का एक फर्स्ट रूल पढ़ा था, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हाँ या ना? हाँ सर। सो वाटर वेपर जो है विल मूव एट हायर अल्टीट्यूड एंड वाटर ड्रॉपलेट है वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, वो फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है ये? सो इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वाटर वेपर टू ड्रॉपलेट्स। ये समझ में आया? ओके, सो फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग होगा और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो नीचे आ गई है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? अब क्लाउड के नीचे के पार्ट में जो वाटर वेपर है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, am I audible? हाँ सर। ओके, यस। सो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो क्लाउड के अब नीचे के पार्ट में आ जाएंगे, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब नीचे आएगी तो वो क्या लेके आएगी साथ में? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगी। कहाँ से मिला इलेक्ट्रॉन? वाटर वेपर जो ऊपर जा रही थी उसके पास से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। ओके, तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, जो क्लाउड का नीचे का पार्ट जो है, क्लाउड का नीचे का पार्ट जो है वो किस चार्ज से फिल हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज से फिल हो जाएगा। क्लाउड का नीचे वाला पार्ट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये किससे फिल हो जाएगा? क्लाउड ये जो है नेगेटिव चार्ज से फिल हो जाएगा। ओके, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है ये? तो क्लाउड के नीचे के पार्ट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लाउड के ऊपर के पार्ट में कौन पहुंचेगा? क्लाउड के ऊपर के पार्ट में कौन है? क्लाउड के ऊपर के पार्ट में वाटर वेपर है जो नीचे आने वाली है बाद में, बट पहले अभी उसके पास चार्ज कौन सा हो जाएगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट? ओके, सो इन दिस वे अगर ये प्रोसेस आगे चलती ही रहेगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इम्बैलेंस क्रिएट होता है। क्लाउड के अंदर ही एक जगह पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट? ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो बेटा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है या फिर जो क्लाउड है वो आगे जाएगा, अपनी जगह पे ट्रैवल करेगा, और उसके बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ओके, हमारे पास यहाँ पे लेट से यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ओके, ये पूरा सिटी है यहाँ पे और सिटी के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स है, कुछ पेड़ है, बहुत सारी चीजें है, राइट? सर आपकी आवाज अचानक से। हेलो, अब आ रही है आवाज?
अब क्लियर आ रही है? ओके, सो मान लो अब ये बिल्डिंग्स है सारे, ओके अब ये बिल्डिंग्स जो है, लेट्स से डबल स्टोरी बिल्डिंग कुछ इस तरह का है, सो अब ये जो बिल्डिंग है वहां पे क्या होगा, बिल्डिंग के पास भी क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो क्लाउड है उसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया है, तो क्लाउड के पास का जो नेगेटिव चार्ज है उसको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होना पड़ेगा, ओके और वो डिस्चार्ज कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। समझ में आया? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर ये अभी जो करवाए वो फिर से समझा सकते हो? मैं बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू से फेस कर रही हूँ। ओके बेटा, मैं ये बोल रहा था, बेटा सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, ये समझ में आया? आपकी आवाज एक सर, आपकी आवाज का एक सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, देखो बेटा मैं पहले से वापस समझा रहा हूँ कि जब भी एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ओके तो क्लाउड के फॉर्मेशन में क्या होता है, दो टाइप की वाटर की स्टेट रहती है। पहली स्टेट होती है इन द वेपर फॉर्म, ओके जो कि अपवर्ड मोशन करना स्टार्ट करती है, और ऊपर जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, कूल हो जाती है। कूल होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हैवी है अब वो कहाँ जाना चाहेगी, नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करती है। तो जब भी एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो विद इन द क्लाउड, क्लाउड के अंदर ही दो टाइप के वाटर के स्टेट रहते हैं, एक वाटर वेपर, दूसरा वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट बहुत ही जोर से नीचे आता है और वाटर वेपर बहुत ही जोर से ऊपर जाना चाह रही है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो ये फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ओके बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन वाटर वेपर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके वाटर ड्रॉपलेट्स विल बिकम अ नेगेटिवली चार्ज, और वो क्लाउड के ही अंदर नीचे के पार्ट में एक्यूमुलेट होना, स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके okay? बेटा बाकी लोगों को आ रही है क्या? सर कट कर रही है आवाज, आ रही है? ओके सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाटर वेपर के बीच में फ्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट के पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लाउड के लोअर पार्ट के अंदर स्टोर होना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे ये क्लाउड फॉर्मेशन बड़ा होता जाएगा, ये क्लाउड बड़े बनते जाएंगे, वैसे वैसे उसके अंदर का जो चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा। आ गया समझ में इतना? ओके अब कोई भी क्लाउड की एक कैपेसिटी होती है, कोई भी क्लाउड की एक कैपेसिटी होती है कि जितने में वो अपना चार्ज कैरी कर सके, उससे ज्यादा चार्ज जाएगा तो क्लाउड उतना चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा, और फिर क्या करेगा, उस चार्ज को क्लाउड जो है वो डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज करने का मतलब वो चार्ज जो है वो एटमोस्फेयर में चला जाएगा। आ रहा है समझ में इतना? यस सर। ओके इसकी वजह से फिर लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग जो होता है वो चार्ज का डिस्चार्ज होता है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज क्लाउड के अंदर आ गया है वो सारा चार्ज बहुत ही स्पीड से एटमॉस्फेयर में आगे चला जाएगा, ओके जिसको हम डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड कहते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बेटा? हेलो। यस सर। ओके सो बेटा अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बार लाइटनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक बार ये रीड कर लो आराम से, जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछो, ओके इसके अंदर चार्जिंग का कुछ एक अलग से भी एक डिस्कशन किया हुआ है, एक बार रीड कर लो पूरा, और जो समझ में नहीं आए वो पूछो फटाफट। ये लाइटनिंग वाला टॉपिक पूरा अभी जो दिख रहा है वो रीड करना है सबको जल्दी से। यस बेटा टेक्स्ट बुक में है। यस सर।
चलो बेटा रीड कर लिया सबने, इतना रीड हो गया? यस सर। एनी डाउट? हो गया समझ में? आ गया? कोई डाउट आया इसमें? नो सर, नो डाउट। ओके आगे बढ़े। यस सर। ओके देखो बेटा, तो अब हम लोग जो लाइटनिंग हो रही थी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओके हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया उसके अंदर बताया था कि जो बिल्डिंग्स है, जो हायर लेवल की बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें सबसे ज्यादा लाइटनिंग का इफेक्ट पड़ता है। ओके क्यों? बिकॉज जो भी लाइटनिंग है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आके गिरती है। जो ये लाइटनिंग है अगर वो अर्थ पर आ रही है तो लोअर पॉइंट पे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? इसके हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्चार्ज होगी। आ रहा है समझ में ये? ओके बिल्डिंग के सबसे जो टॉप मोस्ट बिल्डिंग का जो पार्ट होता है वहां पे जाके लाइटनिंग गिरने वाली है। तो अब इससे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं That is known as lightning conductor. Okay, lightning conductor. तुमने सब लोगों ने देखा भी होगा ये lightning conductor. अगर कोई multi-story building की बात करे तो उस multi-story building के ऊपर कुछ इस तरह का एक rod लगाया होता है सबसे highest point पे. Okay, ऐसे three उसके ऐसा रहता है, तीन spikes रहती है. तो ये जो है this is known as lightning conductor. अब इस लाइटनिंग कंडक्टर का काम क्या होता है और वो किस किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे पहले उसके लिए एक चीज समझना जरूरी है, दैट इज अबाउट अर्थ। ओके अर्थ क्या है? अर्थ इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके अर्थ के पास बहुत सारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके पास इनफाइनाइट है। ओके जबकि तुम लोगों ने ओशन देखा है तो ओशन में कितना पानी है? बहुत सारा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर है वहां पे। अगर उस वाटर में से मैं एक बाल्टी भर के वाटर एक जगह से कहीं दूसरी जगह रख दूं तो भी क्या ओशन के पानी को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं ओशन में एक बाल्टी ज्यादा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ ओशन को? कुछ पड़ने वाला नहीं है, राइट? सो वैसे ही अर्थ क्या है? अर्थ इज अ लार्ज रिजर्वायर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अर्थ इज ऐसा लिख सकते हैं कि अर्थ इज अ लार्ज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये हुआ कि अर्थ को अगर चार्ज देंगे तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, अर्थ में से अगर चार्ज हम ले लेंगे तो भी अर्थ एक्सेप्ट कर लेगा। ओके विच मीन्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके पास क्या है क्या नहीं है? हेलो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास क्या है? कौन से टाइप का चार्ज है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से क्या है क्या नहीं है? प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर दे, अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा और जितनी इसकी कमी है वो सारी पूरी कर देगा। समझ में आ रहा है? अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव होगा ऑब्जेक्ट के अंदर और इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो उसको खत्म कर देगा और ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। आ रहा है समझ में ये? Yes, sir. Okay. Similarly, अगर कोई मान लो negatively charged है, अगर कोई negatively charged है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास क्या है क्या नहीं है? अगर ये negatively charged है तो इसके पास क्या है क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इसको भी मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, अगर इसको भी मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो अर्थ में चले जाएंगे और ये वापस क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आ रहा है?
ओके, व्हिच मींस अगर मैं कोई भी चीज को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं तो हमेशा कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी. ओके, अब जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग जब होती है वो बेसिकली क्या है, बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिकल चार्जेस ही है. तो जहां पे लाइटनिंग हो रही है, मान लो बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग हो रही है, सो ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये हमने लाइटनिंग रॉड लगा के रखा है. लाइटनिंग जो होगी वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगी. ओके, इस रॉड का बेटा जो कनेक्शन होता है, ये जो रॉड है इसका कनेक्शन यहाँ से होते हुए चला जाता है डायरेक्ट जमीन के अंदर. यहाँ पे मान लो जमीन है, ओके, तो जमीन के अंदर ये सारा जो इलेक्ट्रिक मतलब सारा जो रॉड का कनेक्शन होता है वो हम लोगों ने दिया हुआ है. कहाँ पे किसके साथ कनेक्ट किया है उसको, लैंड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है. समझ में आ रहा है ये? ओके, अब जब इसके ऊपर लाइटनिंग होती है, जब लाइटनिंग है, जब ये इस पे गिरेगी, ओके, तब वो सारा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, सारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा. तो हमारी बिल्डिंग को कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, हमारी बिल्डिंग जो है वो बच जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आया समझ में ये? हेलो. यस सर. कोई डाउट? सर समझ में आ गया ये? यस सर. ओके, सो जो ये कंडक्टर्स होते हैं, जो स्पाइक्स हम लोगों ने दिखाया, ये जो कंडक्टर्स है वो क्या करेंगे, लाइटनिंग कंडक्टर हमारी बिल्डिंग को सेफ रखेंगे. आ गया समझ में? ओके, चलो. सो बेटा उसके बाद है सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग. लाइटनिंग जब हो रही है तब क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो कभी भी टॉल ट्री के साथ नीचे नहीं खड़ा रहना है, क्योंकि ट्री के नीचे अगर हम खड़े रहे हैं तो हम सबको पता है कि जो ट्री जो है वो एक टॉल है, टॉल ट्री है, तो फिर लाइटनिंग जो होगी उस पर हो सकती है, और अगर लाइटनिंग उस पर गिरेगी तो हम पे भी उस पर इफेक्ट करेगा. तो कभी भी हम लोगों को टॉल ट्री के नीचे नहीं खड़ा रहना है. ओके, हमेशा ओपन प्लेस में कभी नहीं रहना है, ओपन प्लेस में नहीं रहना है, बिकॉज जब भी लाइटनिंग हो रही है तो उसके साथ बारिश भी आ रही होगी, साथ ही साथ लाइटनिंग जो है अगर ओपन प्लेस में खड़े, इसका मतलब यह है कि दूर दूर तक कहीं पे भी टॉल ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो लाइटनिंग डायरेक्ट ग्राउंड पे भी गिर सकती है. आया समझ में? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही है, तो पानी से दूर नहीं रहना चाहिए, बिकॉज पानी के अंदर अगर लाइटनिंग है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है. ओके, डू नॉट गो ऑन द टेरेस और ऑन द रूफ ऑफ एनी बिल्डिंग. आ गया समझ में इतना? लाइटनिंग समझ में आ गई बेटा पूरी? हेलो. यस सर. ओके, सो बेटा ये जो है अर्थक्वेक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. लाइटनिंग तक हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है. ओके, अर्थक्वेक लास्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. चलो बाय बाय. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो.